हाँ जी प्यारे गैंग, क्या कर रहे थे? हेलो, कैसे हो साहब? अरे ये कैसे बाहर आ गया? शिट यार, हमारा एक पिजन गायब है। नहीं यार, नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अभी अभी छत पे आया हूँ। हमारा एक कबूतर जो है ये बाहर बैठा हुआ है, और इसकी जो फीमेल है वो गायब है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से निकला है। यार ये फीमेल तो लगता है बिल्ली ले गई। क्यों निकले, कैसे निकल आए तुम लोग? कहाँ है फीमेल तुम्हारी? बे नहीं यार, ये क्या हो रहा है सेटअप पे दोस्तों? एक फिंच मरी हुई है यहाँ पे दोस्तों। मैं कल बता रहा था ना, फिंचेस बीमार हैं, तो एक फिंच मरी हुई है, और मुझे कबूतर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये अभी यहाँ पे अंडे देने वाले थे कल। मैं बहुत खुश था कि अभी ये पॉट जो मैंने रखी थी, इस पॉट में बैठी हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि अभी जो है ना वो अंडे आने वाले हैं। लेकिन आज जो सीन हो गया, फीमेल है नहीं, और मुझे कंफर्म है पक्का कि वो बिल्ली ले गई होगी, क्योंकि इनके पर पूरे नहीं है, ये नहीं भाग सकते। अभी मैं इस तरफ चेक कर लेता हूँ, कोई निशान बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस तरफ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप केजेस के पीछे देख लेता हूँ, लेकिन है नहीं, बस फीमेल चली गई, नहीं है यहाँ भी, नहीं है। चलो आप बाहर आ जाओ। आ जाओ आप भी बाहर आ जाओ। आपके बच्चे की क्या पोजीशन है? माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों कितना बड़ा हो चुका है, पर भी आ चुके हैं माशाल्लाह। एक और शेराजी हमारे पास आ गया दोस्तों। ये वही है जिसको जो है ना जख्मी कर दिया था कबूतरों ने, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक हो चुका है। इसकी मदर इसकी बहुत ज़्यादा केयर, अच्छे से केयर कर रही है। वो देखो कैसे बेताब हो रही है, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। ये लो अपना बच्चा। चलो चलो दोस्तों, मुझे फीमेल का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी सारा मूड ख़राब हो गया है, मतलब अपसेट सा हो गया हूँ मैं। खुशी खुशी आया था। मुझे आपको केज की अपडेट भी देनी थी। ये केज इतना हमने बना लिया था, ये फ्रेम बन चुका था रात को। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी देर में अजीम भाई और काशी भाई आ जाएंगे, तो इनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आते ही बैड न्यूज़ मिल गई। एक तो इसकी फ़ीमेल जो है वो नहीं है, एक फिंच हमारी मर चुकी है। कोई परिंदा हमारा नहीं होता, किसी को परिंदे को कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मूड पूरा जो है ना वो अपसेट हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, दुख सा रहता है पूरा दिन, दिल लोग अच्छा नहीं बनता। लेकिन अब बाकी जो परिंदे हैं उनकी तो हमें केयर करनी है। माशाल्लाह कबूतर हमारे जो हैं वो सारे बाहर आ चुके हैं। अभी इनको दाना दे देता हूँ यहाँ पे, और इनके तो मसले ख़त्म ही नहीं होते। चलो आ जाओ जी, बोब लूना आप भी आओ, खा लो ये लो। दोस्तों हमारा ये वाला पिजन अभी बाहर निकला, यहाँ ऊपर जाके बैठा है। इसका मतलब फीमेल भी इतना उड़ पाती होगी। वो हो सकता है बिल्ली नहीं ले गई हो, यहीं कहीं हो, यहाँ कहीं गिर गई हो किसी के घर में। लेकिन अभी ये भी कैसे पता चले, सामने होता तो बंदा किसी से पूछ भी लेता। दोस्तों अब या तो बिल्ली ले गई है, या तो ये उड़ के कहीं किसी के घर में जाके गिर गई है। अब अगर मिल गई तो नसीब है हमारा, नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, अफसोस तो बहुत हो रहा है। लेकिन अब इसको नीचे उतारना है, ये जाके ऊपर बैठ गया है इस तरफ। हमारे मसक अली जो हैं वो दोनों यहाँ के जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये नीचे आ गया। अब इसको टेंशन है ऊपर जाने की। चलो क्यों जाते हो ऊपर, अब टेंशन में बैठे हुए हो? और तुम भी बाहर नहीं निकलो, अभी अंदर बैठो, दे रहा हूँ दाना पानी। आप लोगों की क्या रिपोर्ट है, चेक करें इनके अंडे, मटकी चेक कर लिए, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। तो वीडियो मैंने नहीं देखी, पता नहीं अंडे थे या नहीं थे, आप लोगों को नज़र आ गया होगा, जो भी होगा।
हमारी मुर्गी जो इसके साथ ब्लैक वाली है ना, वो नीचे चली गई। अभी नीचे जा रहा हूँ, उसको पकड़ के आते हैं। ये नीचे चली गई थी, इसको पकड़ के लाएं। चलो। अच्छा, ये नीचे चली गई, मुझे पता ही नहीं था। नीचे वो अजीम भाई और फैजान भाई खड़े हुए थे, उन लोगों ने मुझे कहा पता नहीं किसकी मुर्गी आ गई है, आओ पकड़े। मैंने देखा, मैंने कहा यार अपनी ही है ये तो। फिर मुझे अंदाज़ा लगा कि ये उड़ के नीचे जंप लगा के चली गई है। इनके काम देखे, मैं तो इसको छोड़ के जो है ना गलती कर दी मैंने। अब ये यहाँ जाके बैठ गया, बाकी सब तो घर के पक्के हैं, वो वापसी आ जाएंगे अपने घर में। इसकी मुझे टेंशन है, अब ये घर का कंफर्म पक्का नहीं है। अब वहाँ जाके बैठ गया, अब इस तरफ अगर इसने जंप लगाया ना तो सामने वालों के घर में जाके गिरेगा ये। भाई तुम आ जाओ नीचे, इनके चक्कर में गुम हो जाओगे। आज एक तो इसकी फीमेल गायब हुई है, अब ये खुद भी ऐसी हरकतें कर रहा है, इसका भी पता नहीं चलता। दूर जाके बैठ गया, बाकी सब तो आ जाएंगे, ये पता नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा। ये फ्लावर देखो कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह। हमारे जो है ये चंपा में फूल आते रहते हैं, बहुत प्यारी खुशबू होती है इसमें। अब क्या हुआ, सब उड़ गए, पता नहीं कहाँ गए। दोस्तों ये अभी अंदर आ चुके हैं, इनको तो बंद कर देता हूँ। एक पेयर तो वैसे ही हमारा आज गायब हो चुका है, फीमेल तो वैसे ही गायब थी, मैं आया था तो फीमेल नहीं थी, और मेल मेरे सामने गायब हो गया। मेल यहाँ पे दाना खा रहा था बाकी सब कबूतरों के साथ। डक्स और मुर्गियाँ इनको उड़ा देती हैं, वो बाकी कबूतरों के साथ उड़ा, छत से गया। तो क्या है, वो बाकी कबूतरों के साथ उड़ा, जैसे ये अभी उड़ रहे हैं ना, ये ऊपर चले जाते हैं, ये फिर वापसी भी आ जाते हैं। ये वाले मेरे कबूतर भी घर के पक्के हैं, ये भी वापसी आ जाते हैं। वो मेल जैसे ऊपर गया ना, वो वापसी नहीं आया, पता नहीं अभी नज़र भी नहीं आ रहा कहीं भी, कहीं गायब हो चुका है वो। अभी बस उसकी दुआ कर रहा हूँ कि वो वापसी आ जाए, फीमेल का तो वैसे ही कुछ पता नहीं है। दोस्तों अभी एक केज में मैंने देखा है, डव जो है ना अभी दूसरे केज में नेस्ट पे बैठी हुई है, इस वाले केज में। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। चलो शुक्र है, अब इनको भी नेस्टिंग दे देते हैं, थोड़ी बहुत नेस्टिंग तो इनके पास पड़ी हुई है, कुछ और भी नेस्टिंग इनको देते हैं ताकि ये अब यहाँ पे अंडे दे। इस वाले पेयर ने नेस्ट बनाया है लेकिन अंडा कोई नहीं दिया। नेस्ट बहुत प्यारा बना हुआ है इनका, बहुत प्यारा नेस्ट बनाया हुआ है इन्होंने। और ये वाली फीमेल भी बैठी हुई है, इंशाल्लाह यहाँ भी जो है ना अंडे आ जाएंगे। माशाल्लाह ये अपने कबूतर और प्यारे गेंग सारे मिल के यहाँ पर दाना खा रहे हैं। माशाल्लाह सारे के सारे नहाना शुरू हो गए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं वे नहाते हुए। एक फिंच जो मरी हुई है इसको निकाल लेते हैं दरवाजे से, जो है ना और न निकल जाए इसका ख्याल करना पड़ेगा। ये फिंच हमारी मर चुकी है, काफ़ी सारी चींटियाँ इसके ऊपर हैं, चींटियाँ थोड़ी हट जाएं तो फिर इसको जाके दफना दूँगा। काशिफ भाई आ चुके हैं, अभी केज का काम स्टार्ट करेंगे। जो हम पहले लाए थे ना ब्लैक और ब्राउन, काशिफ को भी न्यूज़ दे दी है मैंने, प्लानिंग करके गए हैं भाई। हमारे हीरो का कहीं और जाने का मूड है, दीवार पे खड़ा हुआ है। आ जाओ हीरो, आ जाओ नीचे, आ जाओ, क्या वापस आ जाओ भाई। हेलो, ऐसे जबरदस्त, ये तो शुक्र है हीरोइन इसकी नीचे। हाँ, अगर हीरोइन भी ऊपर होती तो ये दोनों ऊपर होते भाई। आज हो जाएगा या कल होगा काम, पता नहीं। आज कोशिश करते हैं दोस्तों कि आज केस जो है कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हुआ तो वैसे भी हम जो है ना प्रोफेशनल तो है नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, ये दोनों कर रहे हैं और अबू करता है। खैर बहुत अच्छा फ्रेम बना दिया ये, अभी काम स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ये जितना हो सका आज करेंगे, नहीं तो कल कर देंगे, हो सकता है आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाए। दोस्तों अब ये देखें केज का लुक, ये फ्रंट बन गया, अभी ये बैक साइड बना रहे हैं। बाकी नीचे एक पट्टी लगेगी और ऊपर जो है ना एक पट्टी लगेगी, उसके बाद नेट लगाने का काम स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।